ज्ञान के और भक्ति के रंग में रंगने की आकांक्षा लेकर भक्त निवेदन करता है इष्ट से कि भगवान हमारे मन को ऐसा रंग दीजिए जिस रंग में सबरी रंगी थे, सुदामा रंगे थे और तुलसी रंगे थे, कबीर रंगे थे। नाम तो थोड़े लिए गए। इन लोगों का सभी का उद्देश्य एक था, विधा अलग थी, सूझ अलग थी, अनुराग सबके अद्वितीय थे। अनुराग सबसे बड़ी चीज है। अभी जब मैं यहाँ आने लगा तो मेरे पास एक युवक गया, कहा साहब ध्यान करता हूँ मन नहीं लगता। मैंने कहा मोह माया घटाओ तो ध्यान लगेगा, ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि बाहरी चीजों में मोह है। जब इष्ट में अनुराग हो, इष्ट हमारा कौन है, इष्ट इष्ट में अंतर है। कोई सगुण ईश्वर, कोई निर्गुण ईश्वर को इष्ट मानता है, कोई आत्मा को इष्ट मानता है। लेकिन जहाँ अनुराग पक्का है तो मन लगता है। सगुण उपासक है, अगर अनुराग पक्का है तो उसमें मन लगेगा। निर्गुण उपासक है, अनुराग पक्का है तो उसमें लगेगा। अनुराग का महत्व है। संतो मते मातु जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सतसंगी। अर्दे उर्दे भाठी रूपिन लेत कसार सगारी, मुदे मदन काट क्रम कसमल संतत चूत अगारी। अम्बरीश और शेष जाग जनक जड़ शेष सहसमुख फाना, कानो गनो अनंत कोट लो माल माल दीवाना। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती शिवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लाख कुमारी। सुर नरमन यत पीर औलिया जिन रिपिया तिन जाना, कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करें बखाना। इसमें भी साहब ने बहुत लोगों का नाम लिया और ये सब लोगों के दृष्टिकोण में फर्क है, विधा में फर्क है। लक्ष्य सबका एक है, कल्याण, और विरह सबको है। इसलिए सब प्रशंसनीय, कहीं वो विरह लगे तो भला। अनुराग जगे तो दुनिया का संस्कार छीण हो। अध्यात्म में अनुराग नहीं लगता है तो दुनिया का संस्कार छीण नहीं होता है। जैसे कागज के फूल देखने में सुंदर लेकिन सुगंधी नहीं। ज्ञान की चर्चा होती रही, ज्ञान की चर्चा करते रहे, जिंदगी बीत गई, तमाकू नहीं छूटा। अनुराग नहीं है, बिना अनुराग के काम नहीं बनता। जब अनुराग होता है तो साधना में सफलता होती है। कोई भी साधना हो उसमें वैराग चाहिए। वैराग का अर्थ घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है। वैराग का अर्थ है अनासक्त, सांसारिकता से चित्त ऊपर उठना, और काम सबको करना है। साधु लोग संसार छोड़ के जाएंगे, गृहस्थ लोग ये भी जाएंगे। प्रकृति के तरफ से किसी के लिए पक्षपात नहीं है, एक विधान है। सबके शरीर निरंतर गलते हैं, छीण होते हैं। सबके संबंधों का वियोग होता है। सारी सृष्टि में प्रकृति का नियम एक है। साधु लोग संसार छोड़े और गृहस्थ लोग यहीं रहे तो गृहस्थ को वैराग नहीं करना चाहिए।
गृहस्थ भी छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं। इसलिए वैराग सबके मन में होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। इनमें बंटवारा नहीं है। लोगों ने बंटवारा किया, धर्म के क्षेत्र में कर्मकांडियों ने ज्ञानियों को गाली दी, ज्ञानियों ने कर्मकांडियों को, भक्तों ने ज्ञानियों को, ज्ञानियों ने भक्तों को। ये द्वंद्व हजारों वर्षों से चलता रहा। हरे राम हरे कृष्ण वाले जो इस युग में, इस 20वीं शताब्दी में ज़्यादा प्रचार किए हैं, प्रभुपाद जी महाराज, इस्कान उन्हीं के द्वारा निकला, पूरी दुनिया में फैला। प्रभुपाद जी महाराज का कलकत्ता में अलीपुर में भाषण था, हम वहाँ न्यू अलीपुर में रहते हैं, प्रेम प्रकाश यहाँ। तो किंकर जी का रामायण चल रहा था बहुत कई दिनों से, अंत में उनका था, अंतिम दिन, तो उनको सुनने में गया और लोग भी गए, तो भक्ति मार्गावलंबी थे, कृष्ण उपासक, कट्टर कृष्ण उपासक। तो मंच पर बैठे, पहला वाक्य था, सज्जनों और देवियों, हिंदी बढ़िया बोले, बंगाली थे, लेकिन ऐसा लगता था कि मालूम होता है कि अवध क्षेत्र का कोई पंडित बोल रहा है। उन्होंने कहा, सज्जनों और देवियों, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल, और भक्त मार्गावलंबी थे तो भक्त की बात कहनी चाहिए थी। कुछ भक्त की बात कह लें तब ज्ञानियों को गाली भी दे, कोई बात नहीं। पहला वाक था, ज्ञानी पागल होता है पागल, पागल होता है पागल। मुक्त क्या है? अनात्म वासना छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाना बस। अब ज्ञान की बात वो खुद कह दी, और ज्ञानी पागल कैसे होता है फिर? ज्ञान की बात तो यही है। भक्ति की बात यह है कि मन भगवान में लगाओ, भगवान में रम जाओ, भगवान ही आगे पीछे दाएं बाएं दिखाई दे, भगवान के अलावा कोई नहीं दिखाई दे, ये उपदेश होता तो भक्ति का उपदेश था। पहले ज्ञानियों को उन्होंने पागल कहा और तुरंत कहा कि मोक्ष क्या? अनात्म, जगत की वासना छोड़ दे, अपने आप में स्थित हो जाए, बस ये मोक्ष है। और ये ज्ञानियों की बात है, इसमें भगवान की जरूरत नहीं है। अनात्म और आत्मा ये दो हैं, आत्मा और अनात्मा। अध्ययन के दो विषय हैं, स्व और पर, स्व आत्मा, पर अनात्मा। ज्ञान यही है कि अनात्मा को छोड़ करके आत्मा में स्थित हो जाए। जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ इंद्रियों से जाना जाता है, उसका मोह छोड़ दे और अपने आप में संतुष्ट हो जाए, ये ज्ञान मार्ग का उपदेश है और यही मोक्ष है। ये ज्ञान मार्गावलंबी बताते हैं। तो उन्होंने ज्ञानियों को पागल कहा और ज्ञान की बात कही, फिर आगे और प्रवचन दिए, सब प्रवचन अच्छा था। तो ज्ञानी लोग भक्तों को, भक्त लोग ज्ञानी को, कर्मकांडी दूसरों को, दूसरे कर्मकांडी को, उल्टा पलटा खाते रहते। लेकिन तथ्य यह है, ज्ञान के बिना काम न होगा, भक्त के बिना काम न होगा, कर्म के बिना काम न होगा, वैराग के बिना काम न होगा, सबकी जरूरत है। रोटी पकाना है, रोटी पकाने का ज्ञान न हो, आटा में कितना पानी डालना चाहिए, कैसे गूंदना चाहिए, कैसे बेलना चाहिए, कैसे सेंकना चाहिए, ये सब अकल न हो तो रोटी कैसे बनेगी? अकल तो हो लेकिन कर्म न करे, ज्ञान है रोटी पकाने का, लेकिन रोटी पकाने का कर्म न किया जाए, तावा, चिमटा, आग, चूल्हा, आटा, पानी,
सब एक जगह रख करके संपादित करना, ये कर्म न किया जाए तो रोटी कैसे पकेगी। और रोटी पकाने में भक्ति नहीं है, अगर प्रेम नहीं है तो भी रोटी अच्छी नहीं पकेगी। कोई काम करने में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ज्ञान भक्ति वैराग सब में जरूरी है, ज्ञान भक्ति कर्म वैराग सब में जरूरी है, साधारण बात में जरूरी है, कल्याण में कैसे नहीं जरूरी। उपासना में परोक्ष उपासना और अपरोक्ष उपासना, ये दो उपासनाएं, और प्रत्यक्ष का मोह है। तीन आधार बिंदु पर आप सोचें, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष, दिमाग में जरा इसको जमा लें। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष है इंद्रियों से प्रतीतमान जगत, जो हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, चाम से छूते हैं, ये प्रत्यक्ष है। परोक्ष है जो मन से सोचते हैं, ईश्वर देवता भूत प्रेत लोक लोकांतर और भी जितनी कल्पनाएं हैं, मन के जितने नक्शे हैं वो परोक्ष है, वो मन की रचना। और अपरोक्ष है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का दृष्टा है, जो सबको देखता है और जो सबकी कल्पना करता है, वो खुद आत्मा अपरोक्ष है। ज्ञान है अपरोक्ष का बोध और अपरोक्ष में स्थित होना। परोक्ष में मोह, प्रत्यक्ष में मोह, ये अज्ञान है। प्रत्यक्ष जगत, इसमें मोह अज्ञान है। प्रत्यक्ष हमारे साथ नित्य नहीं है, चाहे कितनी माया हो, कितना विस्तार हो, उसका वियोग पक्का है। अच्छी से अच्छी वस्तु छूटेगी, बड़ा से बड़ा पद छूटेगा, राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, पूरा काल में चक्रवर्ती होते थे वो भी मरते थे। सिकंदर के विषय में तो कहावत ही है, इकट्ठे कर जहाँ के जर, सभी मुल्कों के माली थे सिकंदर, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। प्रत्यक्ष चाहे जितना गुदगुदेदार हो, कितना प्रियकर हो, कितना अनुकूल हो और कितना विशाल हो, वियोग पक्का है। जिसका वियोग हो जाने वाला है उसमें मोह करना घोर अज्ञान है, और उसी घोर अज्ञान में सब जीव उलझे। ये गूढ़ तत्व नहीं है, सहज है समझने में। कौन नहीं जानता है कि मृत्यु है, और ये कौन नहीं जानता है कि मृत्यु के बाद अपना कुछ नहीं रहता है। लेकिन इसकी चरितार्थता जीवन में जब तक न हो तब तक वो दशा नहीं आती है। चरितार्थता, रियलाइजेशन, अपरोक्ष अनुभूति, निरंतर दृष्टि में रहना चरितार्थता। निरंतर दृष्टि में रहे, मृत्यु है किसी दिन शरीर की, ये हम जानते हैं, लेकिन याद नहीं रखते, याद रखने की चेष्टा नहीं करते, किंतु ममता बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। जो बांधने वाली बात है, छुड़ाने वाली बात है, मृत्यु की याद रखना, उसकी याद नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, सोचते नहीं। हर व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट शवासन करना चाहिए। शवासन व्यायाम में तो बताया भी जाता, शव नाम मुर्दा, उतान ढील ढाल पड़ जाओ और समझ लो शरीर खत्म हो गया, मैं इससे अलग हो गया।
10 मिनट का अभ्यास करो रोज, देखो इसका कितना बढ़िया प्रभाव होगा। मन सरल होगा, मोह घटेगा, आसक्ति घटेगी। इसमें कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। अगर मौत की याद करोगे तो जल्दी मर जाना होगा, ऐसी बात नहीं। और मौत को भूले रहो तो अमर रहोगे, ऐसी बात नहीं। वो तो अवधि आएगी तभी शरीर मरेगा। लेकिन रोज शव आसन किया जाए 10 मिनट। शव आसन होता है उतान लेट जाना, सरल, हाथ लंबा करके ठीक ढाल करके सरल लेट जाना। और ये कल्पना करना कि शरीर मैंने छोड़ दिया, शरीर शव के रूप में पड़ा है। 10 मिनट रोज अभ्यास करो। ये मन को सरल और शिथिल बनाने के लिए आसन करने वाले सिखाते हैं। और ये आध्यात्मिक शक्ति को भी बलवान बनाता है। लेकिन उल्टा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, चारों तरफ चिपकने की आदत हम बनाते हैं, छूटने की आदत नहीं। कोई भी उपासना अनासक्ति के बिना सफल नहीं हो सकती। सगुण उपासना है, किसी महापुरुष को आप परमात्मा मानते हैं, राम को, कृष्ण को, कबीर को, बुद्ध को, किसी को। कबीर साहब ने इसका खंडन किया है, लेकिन लाखों लोग कबीर साहब को ही ऐसा मानते हैं। किसी भी प्रसिद्ध मत में सब प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो मूल आचार्य की बात पर कोई थोड़े ध्यान देता है, तो कहाँ कहाँ लोग बहते हैं। जगह जगह मैंने इसकी चर्चा की है कि श्री कृष्ण महाराज अपने जमाने के कबीर ही थे। श्री कृष्ण महाराज बहुत पुराकाल में हुए हैं, वैदिक युग से भी और पहले, क्योंकि वेद में उनकी चर्चा आई है। और शरणाचार्य ने वैसे भाष्य किया, सर राधा कृष्णन ने भी इंडियन फिलॉसफी में वही स्वीकारा है, और वैदिक विद्वानों ने भी स्वीकारा है। इसलिए निर्विवाद हो जाता है कि श्री कृष्ण महाराज वैदिक युग के आरंभ में अथवा और पहले हुए हैं, और इंद्र के विरोधी थे। इंद्र यज्ञ याग प्रधान कार्यक्रम का पक्षधर था, जिसमें पशुवध होता था। श्री कृष्ण महाराज पशुपालक थे और सर्वहारा के रक्षक थे, गरीबों के रक्षक थे। ऋग्वेद में आया है 10,000 वन्य जातियों का नायक कृष्ण, बहुत तेज, सूर्य के समान अवस्थान प्रस्थान करने वाला, चीत्कार करने वाला। श्री कृष्ण महाराज कर्मकांड के विरोधी, गरीबों के पक्षधर, पशुओं के पक्षधर, अत्यंत क्रांतिकारी थे। लेकिन उनको आगे चल करके रसिया बना दिया गया, बहुत सी स्त्रियों से जोड़ दिया गया, पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर के उनको चले गए भक्त लोग। श्री राम के साथ ऐसे हुआ, जितनी रामायण बनी अपने ढंग से बनी, और श्री राम को गड़गड़ करके अपने ढंग से लोग बनाए। बुद्ध एक संत थे, परम संत, लेकिन उनके अनुगामियों ने अद्भुत काम किया। बुद्ध क्या कहते हैं इस पुस्तक की भूमिका में, उसकी वानगी आप पा सकते हैं। त्रिपिटक तो बहुत विशाल है, मैंने थोड़ा दिया है, उससे आप समझ सकते हैं कि बुद्ध को लोग किस तरह से अनुगामियों ने गढ़ा। ऐसे महावीर स्वामी के साथ हुआ, ऐसे अन्यों के साथ हुआ। कबीर साहब तो निराले थे, एकदम क्रांतिकारी, आमूल चूल क्रांतिकारी। अन्य में तो क्रांति की एक सीमा है, कबीर आमूल चूल क्रांतिकारी, लेकिन उनके भक्त उनको उस ढंग से गढ़ करके रखे जिसका कबीर साहब ने खंडन किया है। कबीर को पूजने की बात नहीं है, कबीर को समझने और जीने की बात है। कबीर ने जो कहा उसको समझो और ऐसे जियो।
लेकिन ऐसे लोग हैं जो कबीर साहब को परमात्मा मान करके उपासना करते हैं। तो किसी महापुरुष को परमात्मा मान करके उपासना, ये उपासना कब सफल होगी? जब दुनिया की अनासक्ति हो, दुनियादारी में आसक्ति है, तो इन महापुरुषों में मन कैसे लगेगा? निराकार में लोग मन जोड़ते हैं, निराकार और सूक्ष्म है। निराकार एक नक्शा है मन का कि वो निराकार है, सच्चिदानंद है, उसके गुणों का एक आरोपण है, मन की एक अवधारणा है। लेकिन इस अवधारणा भी में मन तब टिकेगा जब दुनियादारी से हटे, अपरोक्ष आत्मा में मन तब लौटेगा जब बाहर से अनासक्त हो, कोई उपासना की विधा हो वो तब सफल होगी जब दुनिया का मोह, दुनिया की आसक्ति घटे। इसलिए जो सार्वभौमिक साधना है वो सबके लिए समान है, सगुण उपासक, निर्गुण उपासक, परोक्ष उपासक, अपरोक्ष उपासक, सबके लिए जो भौमिकी साधन है, बुनियादी साधना है, वह है अनासक्ति। देह, देह संबंधी प्राणी पदार्थ, गुणकर्म, स्वभाव, उपलब्धियां, ये सब हमारे लिए जंजाल है। शरीर है, शरीर के नाम और रूप है, उसके गुण स्वभाव है और उसमें विशेषताएं हैं और उसमें उपलब्धियां बहुत सी हैं, प्राणी पदार्थ बहुत जुड़े हुए हैं, एक जाल है। लेकिन ये जाल सांस टूटा सब गया, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान का खो जाता है, छोटे का बड़े का सब का खो जाता है, नींद लगी सब बराबर हो गए, महानींद आई सब बराबर हो गए। अनासक्त की साधना होनी चाहिए। अनासक्त की साधना कैसे होगी? तत्व विवेक से। एक प्यारा पुत्र मेरा है मेरी गोद में, विचार करो तो एक बच्चा है, थोड़ा और विचार करो तो एक मांस का लौंदा है। आत्मा अदृश्य, जिसमें हम मोह करते हैं वो मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार करो तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करो तो कणों का प्रवाह है। विचार में उतरते जाओ, वस्तु के प्रति दृष्टि बदलती जाएगी। पहली दृष्टि थी पुत्र की, दूसरी दृष्टि थी एक बच्चे की, तीसरी दृष्टि हुई मांस के लौंदे की, चौथी दृष्टि हुई मिट्टी के पिंड की, पांचवी दृष्टि हुई कणों के प्रवाह की। सब सच है, लौकिक दृष्टि से आपका पुत्र है, सच है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए एक बच्चा है, और पदार्थ की दृष्टि में उतरा जाए तो मांस का पिंड है। मांस भी निर्मित कार्य है, मूल मिट्टी, और मिट्टी भी अस्थूलता को धारण करती है, कणों का प्रवाह है। सब यथार्थ है अपनी श्रेणी में, अवंतिम है कणों का प्रवाह, खो जाएगा सब। पूरे जीवन के आखिर में कोई ऐसा हो जीव जो शरीर छोड़े और पेड़ पर बैठ जाए और वहीं से अपने पूरे बीते हुए जीवन को देख सके, याद कर सके, तो उसका अनुभव क्या होगा? गहराई से सोचने से आपको पता लगेगा कि उसका अनुभव कैसा विचित्र होगा। बीते हुए जीवन और जो छूटे हुए प्राणी पदार्थ हैं उनके विषय में वो कुछ राय नहीं दे सकेगा, कुछ उनमें ले नहीं सकेगा, उनको कुछ दे नहीं सकेगा, केवल जानता हो अगर, तो उसको कैसे लगेगा? लगेगा मैंने कैसी मूर्खता की है,
इसी में पड़ा रहा। अब इससे कुछ लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, न कुछ ले सकता हूँ, न दे सकता हूँ, न शासन कर सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ। विवेकवान इसको विवेक से देह में रहते रहते देखते हैं, और इसी के लिए साधना है, और साधना में भयंकर शिथिलता है। इतने लोग बैठे हैं, स्त्री और पुरुष, कितने लोग हैं जो प्रतिदिन आधा घंटा भी अकेले बैठते हैं। समय नहीं, ऐसी बात नहीं, समय सबके पास है। टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पढ़ने के लोग देर देर तक अखबार पढ़ते हैं, गली में बैठ करके गपबाजी करते हैं, हंसी विनोद में समय बिताते हैं। काम धाम तो करना ही चाहिए, समय किसके पास है? आधा घंटा भी अकेले में बैठ करके कितने लोग आत्मचिंतन करते हैं, कैसी साधना में उन्नति हो? चाहिए अधिक से अधिक। 40 वर्ष की उम्र तक तो एक घंटा बैठना चाहिए जरूर, 40 से ऊपर 2 घंटे, 50 के ऊपर 3 घंटे, और 60 के ऊपर 4 घंटे। लेकिन आधा घंटा भी कितने लोग बैठते हैं? जब अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, जो यथार्थ ज्ञान के ग्रंथ हैं। ग्रंथ भी अनेक प्रकार के हैं, जो निर्णय वचन कहते हो ऐसे ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो और ध्यान करो, 3 काम करो अकेले में बैठकर। समय से ध्यान करो, समय से चिंतन करो, समय से अध्ययन करो, लेकिन ये 3 काम करो। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, वस्तु विवेक, ध्यान, मन की एकाग्रता का अभ्यास। ये काम कोई लगातार रोज करे, देखेगा कुछ दिन में उसके चित्त में कितना अंतर आया। कहीं भी कमाई की जरूरत है, खेती के लिए कहा गया है, जो पूछे हलवाहा कहाँ, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, हलवाहा बैला चरवाहा, जो नगर चलाता है, जो पूछता है कि हलवाहा कहाँ गया है, किस खेत में है, तो कब कहता है उसका बीज भी डूब जाएगा। स्वयं हलवाहा के साथ जाए खेत में, किनारा खुद कुदारी से गोड़े और लगा रहे खेत में, काम करे, तब खेती हो। बिना परिश्रम के किसी दिशा में विकास नहीं होता। साधना में बड़ी शिथिलता है, ध्यान शिविर यहाँ लगाया जाता है, कुछ लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होने वाले अभ्यास करके फिर घर में करते हैं कि नहीं, वो तो हो जाने, घर में भी करना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश नहीं सम्मिलित होते हैं, उनको भी अपने ढंग से करना चाहिए, अपने घर में बैठकर। शारीरिक अड़चन है तो कैसे भी लेटे बैठे आत्मचिंतन बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे हम लोगों का शरीर मौत की तरफ जा रहा है, ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। कोरी हिंदू जुलाहे को कहते हैं, वो रेजा थान बुनता है, बड़े बड़े थान होते हैं, वाना उसका होता है, ताना बाना, तो ताना मीटरों में होता है,
बाना इधर से उधर दाएं से बाएं भरा जाता है, एक एक सूत डाला जाता है, एक एक सूत डालते जाल डालते पूरा थान बुन जाता है। ऐसे जीवन का लेखा है, एक एक सांस बीतते बीतते पूरा जीवन बीत जाता है। ज्यों कोरी रेजा बुने निरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। मौत निरंतर सबके निकट आ रही है, इसलिए वो काम करना चाहिए कि मौत के आने पर भय न हो, अब ऐसा ना लगे मेरा कुछ छूट रहा है। जो पहले छोड़ देता है उसको छूटने का भय नहीं रहता है। साहब की ये साखी इसीलिए है, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि ना मुआ बहुर न मरना हो। मरते मरते सब मरते ही, लेकिन मरने का तरीका लोग नहीं जानते। ऐसा नहीं मरते हैं जो फिर से मरना ना हो। फिर से मरने का मतलब है देह में रहते रहते मर लिया तो मरना रहा ही नहीं, देह में रहते रहते देह के अध्यास को छोड़ दिया तो मरने की अब बात ही नहीं रह गई, पहले ही मार दिया, समझ लिया कि देह एक खोल है, ये खोल गिर जाए, मैं इससे अलग हूं। शुद्ध चैतन्य, आप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, आप देह नहीं है, शुद्ध आत्मा है, चेतन है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, सारा दुख मान मान करके है। पत्नी पति पुत्र पिता भाई माता सगे संबंधी समधी लंबी सब मानते चले गए, और मानते मानते उसी में जकड़ गए। कुछ मानना पड़ता है, कुछ व्यवहार के लिए अपना मकान अपना परिवार, साधु भी अपना स्थान मानते हैं, कुछ मानना पड़ता है, लेकिन उसको हम बलपूर्वक ज़्यादा मान लेते हैं। ट्रेन में बैठते सीट और बर्थ का रिजर्वेशन होता है, हमारे स्टेशन तक वो सीट और बर्थ है, स्टेशन पर उतरे ना वो सीट है ना वो बर्थ है। इसी प्रकार ये जो अपना माना गया है प्रपंच, बहुत थोड़े समय के लिए, जीवन में रहते रहते बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, प्री से प्री छूट जाते हैं, पति पत्नी बनते हैं, लड़की और लड़के वियोग हो जाता है, अपना जन्माया पुत्र अपने हाथ से दफनाना पड़ता है, ऐसा संसार है। तो देह में रहते रहते ही वियोग होता है, अवंत में सबका वियोग एक दिन हो जाता है। इस वियोग को जो पहले देखता है वो वियोग के दिन व्याकुल नहीं होता है। ये असली काम है, निर्भय की निर्भयता की स्थित पाना। जीवन में आप कैसा सुख चाहते हैं? निर्भय सुख, इसमें भय ना हो। दुनिया के सारे सुख में भय है, क्योंकि वो अल्प है, मिला है और छूट जाएगा। कोई भी अनुकूल संजोग के पीछे भय ही रहता है कि खो जाएगा, और पक्का है खो जाना। वस्तु जनित सुख निर्भय नहीं होता है, संबंध जनित सुख निर्भय नहीं होता है। सारी लौकिक उपलब्धियां संबंध जनित हैं, संबंध हुआ है तो अपनी हुई है, और संबंध का संबंध होगा वियोग होगा। उस दिन को देखना चाहिए, करो रे मन वादिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर, भव सागर यह अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव नवेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर,
घर त्रियार दंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल हो तो शरीर, काहे कबीर नर अजहू चेतो माफ हो तकसीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर, अंतिम दिन सबको देखना है, सब कुछ का छूट जाना पक्का है। इस पर विचार चिंतन जो गहराई से रोज करता है नियमित, नियम बहुत जरूरी है। जिसका अनुराग अखंड हो गया है, जिसकी साधना निरंतर हो गई है, उनकी बात अलग है। उनका तो नेम से बड़ा काम हो गया है, प्रेम जग गया, अनुराग जग गया। सामान्य व्यक्ति को नियमित काम करना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग भी नियम से काम करते हैं। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। नियम में चलते चलते प्रेम जगता है। जब रोज आप अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, पहले कम अच्छा लगेगा, सफलता कम लगेगी, धीरे धीरे रस लगेगा, अब आपको आनंद मिलेगा, शांत मिलेगी, तो प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी, प्रेम जग जाएगा। नेम जगावे प्रेम, प्रेम जगावे जीव। जब साधना में प्रेम जग जाता है तब जीव जग जाता है। जीव जगने का अर्थ है मोह का भंग होना। जानी तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। एक गोस्वामी जी की पंक्ति है, जीव को जगा हुआ तब समझो जब सारे विषय विलास से उसको विराग हो जाए। तुलसी जौलो विषय की, मुधा माधुरी मीठ, तौलो सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीट। ये दोहावली की है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जौलो विषय की, मुधा माधुरी मीठ, मुधा नाम व्यर्थ, विषय की व्यर्थ मिठाई मीठी लगती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक विषय की व्यर्थ मिठाई मीठी लगती है, तौलों सुधा सहस्र सम, राम भगत सुठ सीट, तब तक राम भक्ति हजारों अमृत के समान मीठी होने पर भी सीठी लगती, फीकी लगती। बुखार में भोजन मीठा नहीं लगता है। दुनियादारी का मोह जितना जबरदस्त होगा, भक्त मीठी नहीं लगती। नेम में लगो तब प्रेम जगेगा, प्रेम जगेगा तो जीव जगेगा, जीव जगने मतलब मोह भंग होगा, तब पीव जगेगा। पीव का मतलब स्वामित्व, स्वामी, तब आप अपने स्वामी हो जाएंगे, आप स्वयं पीव हो जाएंगे। पीव अलग नहीं है। द्वैतवादी अलग ईश्वर खोजते हैं, अलग ईश्वर मान करके उपासना करते हैं। अद्वैतवादी अलग नहीं खोजते हैं। पारख सिद्धांत भी अपने ढंग से अद्वैतवादी। अद्वैतवाद का जो रूप बाहर है वो यह है कि जड़ चेतन एक है, आत्मा एक है, एक आत्मा पूरी दुनिया में व्याप्त है, दूसरी आत्मा नहीं, और जड़ है ही नहीं, जो भासता है वो भ्रम से है। ये सब ब्रह्म ही है, चेतन ही है, ये सब वो कहते समझा नहीं पाते। एक अखंड आत्मा सर्वत्र व्याप्त हो तो जगत होगा ही नहीं। जगत तो जायमान गत होने वाला है, बनने बिगड़ने वाला है, प्रवाह रूप है, संचालन अस्पूर्ण गति क्रिया एक अखंड में नहीं होता है। आत्मा एक नहीं है, अनेक है, तभी यहाँ प्रवचन हो रहा है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को समझा रहा है। आत्मा एक नहीं, अनेक है। अब आत्मा से अलग जड़ तत्व है,
जिसको मिट्टी पानी आघवा इत्यादि कहते हैं, और जड़ तत्वों के असंख्य कार्य हैं। इस प्रकार जड़ चेतन अलग अलग है, एक चेतन दूसरे चेतन से अलग है और सभी चेतन जड़ से अलग है। यह वास्तविकता है और यही पारक सिद्धांत है। फिर पारक सिद्धांत अद्वैत कैसे है? संकल्पों को छोड़ दिया, अपने आप में स्थिर हो गया, अद्वैत हो गया। संकल्पों से यादगिरियों से जगत सामने उपस्थित होता है, संकल्प शांत हो गया, अपने आप रह गया, अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। उपासना, अंतिम उपासना पारक सिद्धांत की अद्वैत है, अपने आप की है। बाहर का मोह मिट जाना आत्मा की उपासना है। बाहर का मोह मिट गया तो अपने आप में शांत। अपने आप में क्यों नहीं टिक पाता है? क्योंकि बाहर का खिंचाव है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि कोई सगुण उपासना करना चाहे तो उसमें भी इसकी आवश्यकता है। श्री राम में अपने मन को लगाना चाहता है तो बाल बच्चे से मन हटेगा तब तो श्री राम में लगेगा। श्री कृष्ण में लगाना है, कबीर साहब में लगाना है तो दुनिया से मन हटेगा तब तो लगेगा। तो आवश्यकता हर जगह उसकी है, लेकिन असलियत यह है कि किसी महापुरुष में मन लगाना ये आरंभिक साधना हो सकती है। ध्यान दीजिए, चंचल मन को स्थिर करने के लिए राम उपासक श्री राम का ध्यान करता है, ठीक करता है। कृष्ण उपासक कृष्ण का ध्यान करता है, कबीर उपासक कबीर का ध्यान करता है, बौद्ध बुद्ध का ध्यान करता है, ईसाई ईसा का ध्यान करता है, अच्छा करता है। दुनियादारी में जैसे मन लगा है वैसा मन इन महापुरुषों में लग जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ से भी मन को उठाना पड़ेगा। ये सभी महापुरुष मनुष्य थे और महापुरुष थे, इन्होंने समाज को सब प्रेरणा दी है अपने अपने ढंग से, ये पूजनीय है। और आरंभिक साधना में उपासनीय, अंत में नहीं। इन लोगों का शरीर बीते बहुत दिन हो गए, ये लोग कहाँ मिलेंगे? और बाहर की चीज़ मिलती भी तो छूट जाती है। सारी मिली हुई चीज़ छूट जाए, अनमिल अकेला रह जाए, वो आपका आत्मपद है, स्वरूप स्थित है, पारक पद है, अपने आप में स्थित हो जाना है। बाहर से मन सिमट आया, अपने आत्मा में लीन हो गया। आत्मा में लीन होना भी एक कहा जाता है। मन शांत हो गया, बस अपने आप रह गया, अचल अडोल। पहली साधना है अपने मन को किसी आधार बिंदु में बराबर रोकना। जैसे किसी महापुरुष का चित्र हो या ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, कुछ हो, उसी में मन को टिकाना, ये अभ्यास है। और टिक जाना उसका फल है। किसी महापुरुष के चित्र में मन टिक गया और कुछ नहीं याद है, केवल महापुरुष का चित्र दिखाई देता है, तो ये ध्यान का आरंभिक रूप सफल है। आंखें बंद की, बंद आंखों में ज्योत देख रहे हैं और सारी बातें भूल गई, केवल ज्योत दिखाई देती है, तो ये ध्यान की सफलता है। लेकिन ये आरंभिक ध्यान है। अंतिम ध्यान क्या है? कुछ न सोचना। ध्यान क्या है नाम की पुस्तक में पहला वाक्य ही, कुछ न सोचना, संकल्प शून्य। इसी को योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा है, योगश्चित वृत्त निरोध, योग चित्त वृत्त निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध, चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना। तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा तब दृष्टु दृष्टा की स्वरूपे अपने रूप में अवस्थानम स्थित हो जाती है। जब चित्त वृत्त शांत हो गई तो आत्मा अपने आप रह गया। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, सब चले गए, मैं अकेला रह गया।
तो अद्वैत हो गया। सारे विचार से जगत सामने आता है, सारे विचार शांत हो गए तो जगत शून्य हो गया हमारे लिए, अपने आप रह गया। सुषुप्त में आपको रोज रोज यही होता है, जब आप गाढ़ी नींद में जाते हैं तो आप अकेले रह जाते हैं अद्वैत, इसलिए वहाँ दुख नहीं होता है। मृत्यु में भी यही होता है, लेकिन वासना बस है तो नींद खुलने के बाद फिर दुख, और मौत के बाद फिर देह धर करके दुख। और जो वासना का त्याग कर दिया, वासना त्याग करके चित्तवृत्त को शांत कर दिया, तो इसी देह में रहते रहते अद्वैत अकेला हो गया। इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को सूफी लोग बका कहते हैं, बका, और इसी को संस्कृत में शेष कहते हैं। विष्णु भगवान शेषशायी है, आप लोगों ने कहीं चित्र भी देखा होगा, समुद्र है, समुद्र में हजार फड़ वाला सांप पड़ा है और उसके सीने पर विष्णु भगवान लेटे, ये रूपक है। शेष का मतलब बचा हुआ, विष्णु का मतलब आत्मा, विष्णु और वैष्णव कौन। एक मेरा लेख है, पुस्तक रूप में आएगा, पुस्तक तो छोटी है लेकिन देर हो रही है, रायपुर में भामाशाह छात्रावास में मेरा एक भाषण था, तीन दिन का था। एक दिन मैंने बोला था विष्णु और वैष्णव कौन, वो अब पुस्तकाकार आ जाएगी, छोटी सी पुस्तक, एक भाषण है केवल। विष्णु का अर्थ होता है जो प्रविष्ट हो, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष कहते हैं प्रवेश को, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, प्रविष्ट प्रवेश विष। शुरुआत है सूर्य की किरणें सब में प्रविष्ट होती है, इसलिए सूर्य विष्णु है। लेकिन नियम संसार के सारे पदार्थों में व्याप्त है, इसलिए नियम विष्णु है। और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा सभी देहों में प्रविष्ट है, इसलिए आत्मा विष्णु। प्रकृति के सारे पदार्थों में अपने नियम हैं, वो नियम उसमें स्वाभाविक प्रविष्ट है। उन नियमों को समझना और नियमों के अनुसार चलना, ये बाह्य विष्णु उपासना है। और आत्मिक विष्णु उपासना आत्मा विष्णु है, क्योंकि आत्मा शरीर में प्रविष्ट है। तो सारी वासना छोड़ करके आत्मा मात्र रह जाना, ये विष्णु की स्थिति है। तो शेष पर विष्णु सोते हैं, शेष नाम बचा हुआ, सारे संकल्पों को छोड़ दिया तो शेष आत्मा रह गया। ऐसी स्थिति में जो स्थित है वो विष्णु है। शंख चक्र गदा पद्मधारी सांवला रंग का एक विष्णु की कल्पना है, ऐसा विष्णु कभी नहीं हुआ, काल्पनिक है। और इसी विष्णु का कोई चित्र या मूर्ति पूछ करके कहे मैं वैष्णव हूं तो भोला है, वास्तव में वैष्णव हुआ है जो प्राण मात्र को विष्णु समझता है और सबके प्रति हमदर्द है और अंत में आत्मलीन है, वो वैष्णव है। जैसे भारत माता के प्रति निष्ठा, तो एक चित्र सुंदरी युवती का 30 वर्ष की उम्र की करीब करीब कागज में होता है, तिरंगा झंडा होता है, वंदे मातरम लिखा होता है। अब उसी चित्र को कोई पूजे और कहे कि मैं भारत माता का भक्त हूँ तो भोला। भारत माता जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, पंजाब से बंगाल तक के लोगों के प्रति हमदर्द, केवल हिंदू के लिए नहीं, इस भारत के अंदर में रहने वाले सब के लिए जो हमदर्द हो, वो राष्ट्रीय भावना वाला है।
वो भारत माता का पुजारी है। तो अंतिम स्थित अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, ये अत्यंत ऊंचा अंतिम है, कुछ न सोचना। सामान्य व्यक्ति ये कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कुछ न सोचने की स्थित होती है, लेकिन होती है। जब पूर्ण अनासक्ति दुनिया से हो जाती है, अब अभ्यास प्रबल हो जाता है, तब ये दशा सहज हो जाती है। साधक जब चाहता है संकल्प शांत करके शांत हो जाता है, तो अपने आप स्थित है, अद्वैत है, अकेला केवल है, ये पारख स्थित है, स्वरूप स्थित है। इसको ब्राह्मी स्थित कहे कोई बुरा नहीं, ब्रह्म का अर्थ है बड़ा। राम में लीनता कहे कोई हर्ज नहीं, राम तो कबीर साहब को बहुत प्यारा शब्द है, बीजक में पौने 200 बार उन्होंने कह डाला है, और राम में रमणिक कहा, हृदय वसेते ही राम न जाना। कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे। राम की स्थित, ब्रह्म की स्थित, ईश्वर की स्थित, परमात्मा की स्थित, स्वरूप स्थित है, जो अपरोक्ष स्थित है। अपरोक्ष मैंने कहा था, प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष जगत प्रपंच, इसमें सब डूबे, और परोक्ष है ईश्वरादि की कल्पना, उसमें कुछ लोग अनुरागी है। जब अपरोक्ष बोध और परोक्ष की कल्पना भी खत्म हो गई, यानी इंद्रियों से जो प्रतीत होता है उसमें मोह नहीं, और जो मन की कल्पना है उसका भी अभ्यास मिट गया, इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बस। उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चानाविचेष्ट तामाहु परमां गतिम। यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, पांच अवतिष्ठित आँख नाक कान जीभ चाम शरीर में स्थित है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की इंद्रियां मनसा सह मन के सहित, बुद्धिश्च बुद्धि भी, न विचेष्ट नहीं चंचल होता है, ताम आहु परमाम गति, उसे कहते हैं परम गति। यहां कुछ पाने की बात नहीं कही गई, परमात्मा को पाने, देवता को पाने, भगवान को पाने कुछ नहीं कहा गया। देह में जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ चांद, ये शांत हो गए, ये अपने बस में हो गए, और मन भी बस में हो गया, और बुद्धि भी स्थिर हो गई, ये परम गति है। क्योंकि इन सब के शांत हो जाने के बाद बंधन रहा ही नहीं, अब आत्मा अपने आप है, जो आप है खुद, जो परमात्मा को खोज रहा है वो आप परमात्मा है, जो ब्रह्म को खोज रहा है खुद आप ब्रह्म है, जो राम को खोज रहा है खुद आप राम है। परोक्ष में भटक लो चाहे जब तक, कुछ पाओगे नहीं। आप कहोगे छत्तीसगढ़ में राम नहीं मिलता, अयोध्या जरूर मिलेगा, अयोध्या में राम बैठा होता तो वहां राजनेताओं को राजनीति करने देता। ये बाहर से राजनेता लोग नवयुवकों को ले जाकर के वहां हुड़दंग करते थे, अब अयोध्या के साधुओं ने इनको खदेड़ दिया है चार पांच वर्षों से, अब नहीं कर पाते। अयोध्या वाले इनसे परेशान हो गए। अयोध्या में कभी भी हिंदू मुस्लिम दंगा होता ही नहीं, कभी झगड़ा नहीं होता, प्रेम से रहते हैं। एक बूढ़न बाबा लकड़ी टाल वाले
तो राम जन्म राम मंदिर के ट्रस्टी रहे, अब तो मर गए होंगे। और हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से वहाँ रहते हैं, ये नेता लोग वोट के चक्कर में पड़ करके वरगलाने के लिए राम भक्त नाम दे करके नवयुवकों को भिन्न प्रदेशों से ले जा करके हुड़दंग करते थे। राम होते तो सह न पाते, क्योंकि राम को बताया गया शाम को राज और सुबह वनवास, और राम राज के भूखे नहीं थे, छोड़ के चल दिए कि अयोध्या में विवाद न हो, चल दिए तुरंत उसी दिन। और ये राजनेता राम भगत बनते हैं, अयोध्या में झगड़ा उत्पन्न करते हैं इधर उधर से ले जाकर के लोग, ते राम भक्त हैं कि राम के दुश्मन हैं। राम अयोध्या को छोड़ दिए कि अयोध्या में शांति रहे, अयोध्या का राज छोड़ दिए, और ये लोग राजगद्दी के लिए अयोध्या में झगड़ा पैदा करते हैं और राम भगत बनते हैं। वहाँ राम बैठे होते तो सब आते हैं। राम जहाँ आप बैठे हैं वहीं हैं, सबके दिल में जो बैठा है वो राम है। साहेब ने कहा, लेकिन पंडितों ने भी कहा, रमन्ते योगिनो जसमन्नत राम, योगी जिसमें रमण करते वो राम है। योगी किसमें रमण करता? आत्मा में, ये आत्मा राम है। भजन और साधना का काम सबको करना चाहिए, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सबको संसार छोड़ना है एक एक दिन, एक एक दिना या ही गत सबकी, कहा राव का दीना हो, गृहस्थी का काम करो, जो जिनकी जिम्मेदारी है वो निभाएं, परिवार के साथ सुंदर बर्ताव करो, सभी मिलने जुलने वाले और अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ तक संबंध होता है सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, लेकिन इस आध्यात्मिक साधना को कभी भूलो मत। कुछ किसी का नहीं है, मेरा कोई नहीं है और कुछ नहीं, इस परम सत्यता का अभ्यास करो। रोज अकेले में बैठो, एक बार दो बार तीन बार अनुराग बढ़ाओ, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग नाले इस पापी मन को अपने रंग में माया। ये पंक्ति तो और हृदय द्रावक है, इस पापी मन को माया अपने रंग में न रंग ले। सबके मन को कौन रंगता है? ये माया हमारी बनाई माया, भगवान की बनाई नहीं, इसमें भी धोखा। भगवान की माया हमें नचाती है, भगवान की माया नहीं नचाती, हमारी माया नचाती, हमारा अविवेक, हमारी मूर्खता। इस संसार में हम बैठे हैं जहाँ, यहाँ हमारा कुछ नहीं, और नजरों नजर हम देखते हैं, लेकिन पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी मदिरा को पी करके जगत के लोग उन्मत्त भूत, भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, भूत का मतलब होता है तत्व, भूत का मतलब होता है सत्य, भूत का अर्थ होता है देहधारी मनुष्य प्राणी, कोई प्राणी हो भूत कहते हैं, भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं तादात्म को, निष्ठा को, ब्रह्मभूत ब्रह्मलीन, भूत के कई अर्थ होते हैं। जीवन हमारा ऐसे बीतता चला जाएगा, हमारे सामने बराबर लोग जा रहे हैं, हमारा शरीर भी जाने वाला है। साहेब की ये साखी याद रखो, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि न मुआ बहुर न मरना हो, ऐसा अब की बार मरना है जिससे मरना न हो। देह में रहते रहते सारी आसक्ति छूट जाने के बाद मरना रहता ही नहीं, केवल शरीर छूट जाता है, मरना नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने को समझ गया मैं अमर हूँ।
मेरी मौत नहीं, शरीर मुझसे अलग है। विवेक से शरीर को हरदम वो अलग देखता है। मरना कब कहाँ रहा? अमर है, अमर भय अब न मरेंगे। इसका मनन करो, चिंतन करो, अध्ययन करो, ऐसी संगत करो, ऐसा सोचो, धीरे धीरे मन बनेगा, तभी होगा। कोई आपके घर वाला करता इससे आपको लाभ नहीं होगा, आप खुद करेंगे तो लाभ होगा। ये पोगरी विषय है, व्यक्तिगत, अपना अपना। भूख हमारी तब जाएगी जब हम भोजन करेंगे, प्यास तब जाएगी जब पानी पिएंगे, जब हम स्वयं सोएंगे तो हमारी नींद मिटेगी। इसी प्रकार जब हम स्वयं साधना करेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। इसलिए अपनी अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार इस काम में सबको लगना चाहिए। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त जो जहाँ हैं, रोज नियम बनावें, एक घंटा दो घंटा अलग बैठें, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा बैठें, अध्ययन ध्यान चिंतन करें। जब उस रास्ते में चलेंगे तो रास्ते का परिचय और प्रगाढ़ होगा, उसमें रस लगेगा, और वो आनंद जब मिलेगा तब उसको आप छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।